खबर विकासनगर से है, जहां सेलाकुई के माया देवी विश्वविद्यालय में एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस सम्मेलन में शिक्षाविदों, शिक्षकों और शोध छात्र व छात्राओं ने भाग लिया। 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परिवर्तनकारी भूमिका पर चर्चा की। साथ ही राष्ट्रीय सम्मेलन विभिन्न विशेषज्ञ पैनल चर्चाओं का आयोजन किया गया। इस दौरान पाठ्यक्रम सुधार, कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा और शिक्षा के आधुनिकीकरण की प्रौद्योगिकी की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। समारोह के मुख्य अतिथि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक सुधार है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली को एक नए आयाम में ले जाने की दिशा में कार्य करेगा। विकासनगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। मैंने देखा कि यहाँ पर मेरे सामने एक जो बच्चा रिसर्च कर रहा है, उसने भी अपनी बात यहाँ पर रखी है। मैं सोचता हूँ कि जो नई शिक्षा नीति भारत सरकार लाई है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस पर काफी फोकस किया था, वो भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए और शिक्षा को बहुआयामी और समग्रता में विचार करने की ओर ये शिक्षा नीति ले जाएगी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोड मैप तैयार किया है 2047 का भारत, यानी कि जब देश की आज़ादी के 100 वर्ष होने वाले होंगे, तो भारत की अर्थव्यवस्था ये दुनिया की नंबर वन अर्थव्यवस्था होगी। और आज हम ये कह सकते हैं कि 10 वर्षों में जो भारत की अर्थव्यवस्था है, जो पहले लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास थी, अब लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के, 4 से भी अधिक ट्रिलियन डॉलर के आसपास हो गई है।